राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है, ये जो सुनिश्चित करना चाहता है कि भारतीय छात्र समग्र शिक्षा प्राप्त करे, आत्मनिर्भर बने और समर्पण की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। संस्कृत भाषा के विकास के लिए हम कई सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं। एग्जाम्पलरी संस्कृत विश्वविद्यालय और रिसर्च इंस्टीट्यूट की वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्कूल विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत को छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, गैर सरकारी संगठनों की वित्तीय सहायता प्रदान करना, वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के लिए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट और प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में इनफॉर्मल सांस्कृतिक टीचिंग सेंटर स्थापित करना। संस्कृत की अन्य भाषाओं को जोड़ने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार के सहयोग से मुख्य रूप में 5 परियोजना संचालित कर रहा है। आयुर्वेद गुरुकुलम, भारतीय ज्ञान प्रणाली, हिंदू अध्ययन केंद्र, इंडिया नॉलेज सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने देश की बौद्धिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बौद्धिक विद्वानों की प्रमाणित करने के लिए 2022 में महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वैदिक और संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है। इस पहल का उद्देश्य महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वैदिक संस्थान के तहत 5 क्षेत्रीय केंद्र का भी स्थापना करके वैदिक ज्ञान की मजबूत करना है। भारत की ज्ञान एंशिएंट टाइम तक सीमित नहीं है, यह आधुनिक समय मॉडर्न टाइम में भी प्रासंगिक है। एनईपी के क्रियान्वयन के एक ही हिस्से के रूप में हमने शिक्षा मंत्रालय में एक आईकेएस डिवीजन बनाया है और हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली की तत्वों की जहां प्रासंगिक हो पूरी स्कूली पाठ्यक्रम में सटीक और वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाए। विश्वविद्यालय विभिन्न फिलोसॉफिकल स्कूल जैसे वेदांत, दर्शन शास्त्र, योग अध्ययन, साहित्य आदि विशेषज्ञता वाले विद्वानों से समृद्ध है। मैं सुझाव दूंगा कि यद्यपि हम संस्कृत को महत्व देते हैं, लेकिन इन स्कूलों की अधिक ज्ञान के प्रचार और निर्माण में बाधा नहीं बनना चाहिए। दुनिया भर की वेदांत में रुचि बढ़ रही है, क्वांटम फिजिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजीज में समान चर्चा के साथ कॉन्शियसनेस ऑब्जर्व और नेचर ऑफ मैटर पर हमारी दृष्टिकोण बढ़ रहा है। वेद में निहित इन प्राचीन और कालातीत दर्शन पर हमारी कार्यक्रम हमारी लोगों द्वारा दुनिया भर के लोगों के लिए संभावनाएं अधिक से अधिक भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। मित्रों, 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, अपने इस सदी को भारतीय सदी बनाना का क्षमता रखते हैं। वेल्थ क्रिएशन और वेलफेयर के लिए हमारी क्षमता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम ज्ञान को कितना बेहतर उपयोग करते हैं। हमें अपनी व्यापक बौद्धिक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। भारत की भाषाओं की समृद्धि, शास्त्रों की विशालता, प्राचीन विश्वविद्यालय की विद्या और ऋषियों की जीवंत परंपरा ज्ञान के प्रति देश की सम्मान का प्रमाण करती है। एक नॉलेज सिविलाइजेशन के रूप में हमने हमेशा प्रतिभा को पोषण किया है और आज हमें प्रतिभाशाली युवाओं को अपना विशाल समूह पर गर्व है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में यह भारत की कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ है। आइए हम अपने पूर्वजों के मूल्य और ज्ञान की कायम रखते हुए लर्निंग डेवलपमेंट और एनलाइटमेंट की इस यात्रा पर आगे बढ़ें, क्योंकि हमें भारत के लिए एक उज्जवल और आशाजनक भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना है। नमस्कार। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।